मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता का कोई लोकेश टंडन ही नहीं बनता। याचिकाकर्ता ने अपनी पिटीशन में कहा था कि जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं, दिल्ली सरकार के आदेश पारित नहीं किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री किसी फाइल पर साइन नहीं कर पा रहे, वो फाइलें नहीं देख पा रहे, उनको अंतरिम जमानत दी जाए क्योंकि वो किसी भी केस में उन्हें अभी तक सजा नहीं हुई है, किसी भी कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई है, लिहाजा उन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए। कोर्ट में मौजूद अरविंद केजरीवाल के वकील ने भी इस याचिका पर घोर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता का कोई लोकेश टंडन ही नहीं बनता। अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो वो अपने स्तर पर अपने तौर पर इस तरह की याचिका दाखिल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये याचिका केवल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है और केवल प्रचार पाने के उद्देश्य से दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से जो भी उन्हें कोर्ट से किसी भी तरह का अगर कदम उठाना है तो वो खुद अपना कदम उठाएंगे, उनकी तरफ से कोई और इस तरह की याचिका नहीं दाखिल कर सकता। याचिकाकर्ता ने अपनी तरफ से सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से गारंटी लेने के लिए तैयार हैं कि वो कोर्ट किसी भी तरह जो शर्त लगाई जाएगी उसका पालन करेंगे, किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे। कोर्ट ने कहा कि आप मुख्यमंत्री के ओर से कैसे इस तरीके की गारंटी ले सकते हैं। कोर्ट ने इस तरह की याचिकाओं को पहले भी खारिज किया था। पहले 3 याचिकाएं दाखिल हुई थी कोर्ट में, जिनमें अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग की गई थी। तब भी कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की याचिका में कोर्ट दखल नहीं दे सकता, क्योंकि उन्हें पद से हटाना या नहीं हटाना ये इसमें किसी तरह का कोई लीगल इशू नहीं बनता और अदालत इस तरीके के निर्देश नहीं दे सकती। कोर्ट ने तब भी ये कहा था कि अगर इसमें कुछ करना होगा तो LG करेंगे, LG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेंगे और उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। तीसरी याचिका पर तो कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। आज भी कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पहले जब हमने इस तरह की याचिकाएं खारिज की थी और आखिरी याचिका पर 50,000 का जुर्माना लगाया था तो ये सोचा था कि लोग अब सबक लेंगे और इस तरह की फालतू पिटीशन दाखिल नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की याचिकाएं कोर्ट में आ रही है, जो चिंता की बात है। कोर्ट ने इस बार याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया और ये कहा कि उनका किसी तरह का कोई लोकेश टंडन ही नहीं बनता और अदालत कानून पूरे देश में सबके लिए बराबर है। अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की कोई राहत चाहिए तो वो अपने स्तर पर कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कई मामलों में दाखिल भी की है। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को जो चैलेंज किया है वो इस समय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि दर्शकों को ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट ने जो उनकी याचिका खारिज की थी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज करने की, उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में अगले सोमवार से शुरू होने वाले हफ्ते में उस पर सुनवाई होनी है। आज की याचिका जो खारिज हुई है और साथ में जो 75,000 रुपए का जुर्माना लगा है, वो एक तरह से सबक भी है उन लोगों के लिए जो पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर अदालत का बहुमूल्य समय खराब करते हैं।